हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कपड़े की छोटी छोटी कतरन के 5 रियूज आइडिया, जो कि हम सिलाई करते हैं और उनकी छोटी छोटी कतरन बच जाती है, उनके आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, वो भी 5 पूरे। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला आइडिया है हमारा ये। देखिए, मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, जो कि हमारे टुकड़े बच जाते हैं वो सारे मैंने इकट्ठे करके जितने भी प्यारे प्यारे पीसेस थे उसको मैंने 3.5 x 3.5 इंच के पीसेज कट कर लिए हैं। अब देखिए, हमने इस तरीके से 5 लाइन ली हैं, तो दोनों तरफ से 5-5 लाइन बना के रेडी कर ली हैं। इस तरीके से हमने इनको आपस में ज्वाइंट कर लिया है। अब जो ज्वाइंट किया है फिर से हमें इनको आपस में ज्वाइंट कर लेना है, तो मतलब ये चारों तरफ से ही इस तरीके से सिल जाएंगी। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से ज्वाइंट करके रेडी कर दिया। अब हमने पुराना कवर लिया है, तो ये मैंने तकिया का कवर लिया है पुराना, इसके ऊपर हम इसको सेट कर देंगे सिलाई लगा के चारों तरफ से। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको देख लेनी है, जितनी भी लेनी है। तो देखिए, मैंने इसकी जो लंबाई है वो ली है 15-15 इंच की दोनों तरफ से। तो मैं बनाने वाली हूँ कुशन कवर, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जितना भी आपका लंबा चौड़ा कुशन कवर है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, दो एक और पीस मैंने लिया, ये नीचे के लिए लिया है और इसको मैंने इस तरीके से जिप लगा के अटैच कर दिया है और पीछे की साइड से एक और सिलाई लगा दूंगी। अब दूसरी साइड भी मैंने इस जिप को अटैच करते हुए रनर डाल दिया है इस तरीके से, रनर के दोनों को चैन को बंद करते हुए रनर को डाल देना है फिर से। अब आपको दोनों पीसेस को इस तरीके से उल्टा रखते हुए सिलना है आपस में, चारों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने कट कर दिया है, कट करने के बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमारा एक कुशन कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम सीधा करके आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, देख सकते हो आप लोग। और ऐसे छोटे छोटे हमारे टुकड़े बच जाते हैं तो हम इस तरीके से यूज कर लिया कर लें तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। आप सोफे के जितने भी कुशन्स होते हैं उनके लिए बना सकते हो। अब देखिए, अगला आइडिया हमारा ये। तो फिर से मैंने देखिए इस तरीके से जितनी लंबी लंबी पट्टियाँ इसमें से निकली उतनी मैंने ले ली हैं, चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो और लंबाई भी। तो देखिए, मैंने सारी पट्टियों को इस तरीके से कट कर लिया, इनकी जो चौड़ाई लगभग है 2.5 इंच की। अब देखिए, आपस में सारी पट्टियों को मैं इस तरीके से ज्वाइंट करूँगी, जितनी भी पट्टियाँ हैं मेरे पास सारी की सारी देखिए मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर ली हैं। एक मैंने इस तरीके से मिठाई में जो बैग आता है वो वाला ले लिया है, आप साड़ी वाला बैग या कोई भी ले सकते हो इस तरीके से का शॉपिंग बैग। अब देखिए, इसमें आप जैसे सिलना चाहो इस पट्टियों को वैसे आप सिल सकते हो, सीधी सीधी या फिर ऐसे करके तिरछी तिरछी। तो मैं इसमें सीधी सीधी इन पट्टियों को अटैच करने वाली हूँ। तो देखिए, वन पट्टी मैंने सिल दी, अब ये दूसरी सिल दी ऊपर रखते हुए, फिर तीसरी हम इस तरीके से उल्टा रखते हुए सिलेंगे दूसरी को भी साथ में रखते हुए। तो इस तरीके से हमारी सिलाई की भी बचत हो जाएगी, एक एक सिलाई से हमारा काम होता जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से पूरे को मैंने सिल दिया है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद में हम यहाँ पर देखिए पाइपिंग लगा लेंगे दोनों साइड में इस तरीके से। देखिए, मैंने पाइपिंग लगा ली, दूसरी साइड से भी पाइपिंग लगा ली, अब तीसरी साइड से भी पाइपिंग हम फिर लगा लेंगे। इसको हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से दोनों साइड से। अब देखिए, तीसरी साइड से हम पाइपिंग को लगा रहे हैं पीछे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और फोल्ड करते हुए फिर आगे की साइड में सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरीके से पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बन के रेडी हो जाता है। और इस तरीके से आप पर्स भी बना सकते हो इसी का ही। अब चलिए, तीसरा आइडिया है हमारा ये। तो देखिए, छोटी छोटी जो कतरन बच जाती है, जो बिल्कुल बेकार वाली कतरन होती है वो वाली है। तो बहुत सारी स्टोरेज हो गई थी मेरे पास, इकट्ठी हो गई थी बहुत सारी। तो आप देख सकते हो कितनी सारी कतरन है हमारे पास, तो हम इसका ही यूज करने वाले हैं। तो इसमें से मैंने कॉटन के कुछ कपड़े छांट लिए हैं, इसकी जो लंबाई है वो ली है मैंने करीब 10 इंच की, चौड़ाई मैं लेने वाली हूँ 7 इंच की। इस तरीके से कट करने के बाद में हम इनको कट कर लेंगे 7 x 10 या 11 इंच का पीस कट कर लेंगे। अब इसे हम दो साइड से इस तरीके से सिल देंगे, सिलने के बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद में इसमें हम कपड़ा फिल कर देंगे। इसी तरीके से हमारी आइडिया बनके रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हमने क्या बनाया, बहुत ही यूजफुल होता है ये आइडिया। और जो हमारे यहाँ पुरानी कतरन बचती है, बेकार कतरन होती है, जो सारी की सारी हमारे काम में भी आ जाती है और हमें मार्केट में पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा पैड बनके रेडी हो जाएगा, जो पीरियड पैड होता है वो वाला पैड है ये, और बहुत ही काम में आते हैं ये।
तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पैड को बना के रेडी कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए मैंने इतने सारे बन गए हैं इस कतरन मैट से, तो ये आप बहुत टाइम तक चला सकते हो। अब चलिए मतलब एक बार लगा लीजिए फिर फेंक दीजिए, तो कतरन के कोई पैसे से तो आए नहीं है, तो ये तो है नहीं है कि आपको धो के रखने हैं। अब देखिए अगला आइडिया है हमारा ये 7.5 बाई 8 इंच का हमने पीस लेते हुए ये कागज़ का इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया। 1 इंच छोटा ये वाला पीस लिया हमने और इसको भी हमने हर शेप में कट कर दिया। हमने वेलवेट का कपड़ा लिया, इसको भी हमने कट कर लिया है। 24 बाई 6 इंच का लंबा पीस लिया हमने और ये हमने देखिए 10-10 पीस हमने ये पीस कट कर लिए हैं छोटे और बड़े। तो इस तरीके से पीस को कट करने के बाद में इसको हम सेट करेंगे, इस तरीके से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसमें कट्स लगाते हुए इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में इसमें हम कतरन को फिल करेंगे। तो इसमें भी आपको जो बेकार कतरन होती है, बेकार कपड़े होते हैं जो बिना काम के होते हैं, उनको आप इसमें यूज कर सकते हो। तो जो बिल्कुल हमारे किसी भी काम में नहीं आते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हो ऐसी चीज़ों में। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सिल देते हैं। अब इसको हम सीधा करके और ये हमने इस तरीके से रेडी कर लिए सारे के सारे पीसेज। अब आपको बड़े वाले पीस लेने हैं पहले और फिर छोटे वाले पीस को लेना है। तो मैंने मैचिंग की रील ले ली है, रील सुई में धागा डालते हुए इस तरीके से हम आपस में पहले इनको सारे को अटैच कर देंगे, आपस में सिल देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से आपस में पाँचों की पाँचें पीसों को इस तरीके से सिल दिया है। सिलने के बाद में अब ये थोड़ा सा राउंड जो अंदर का है वो बड़ा है, तो इसको हम छोटा करने के लिए फिर से मोटा धागा डाल लेंगे। रील में मैंने अच्छी तरीके से 4-5 लट धागा डाला हुआ है और इस तरीके से हम इसको सिलेंगे और इसमें जो बीच वाला राउंड है वो छोटा हो जाएगा फिर, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल अभी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से खींचते हुए धागे को इस तरीके से अंदर के राउंड को छोटा कर दिया है मैंने, तो इसमें हल्की हल्की चुन्नट सी आ जाएंगी इस तरीके से। और देखिए फिर से मैं एक बार सिल देती हूँ, तो इस तरीके से ये मजबूत हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को भी हमने सेम तरीके से रेडी किया हुआ है अंदर के राउंड को छोटा करते हुए। ऊपर हम इसको छोटे वाले राउंड को रखेंगे और देखिए इस तरीके से इसको हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर देना है ताकि ये बराबर पर खुल के ना भागे। तो देखिए ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब जो हमारा ऊपर वाला हमने जो पीस रेडी किया था 24 बाई 6 इंच का हमने पीस लिया था, फिर इसको हमने सिल के अब इसमें भी कपड़ा फिल किया हुआ है। और देखिए इस तरीके से राउंड करते हुए इसको हम देखिए सुई धागे की मदद से पूरे को सिल देंगे और सिलने के बाद में इसे हम बीच सेंटर में सेट कर देंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये डेकोरेशन के काम में आता है, कहीं भी आप इसे शोकेस में रख सकते हो, टीवी के ऊपर रख सकते हो, मतलब फ्रिज के ऊपर रख सकते हो, बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर, जहाँ भी आप इसे डेकोरेशन के काम में लेना चाहो वहाँ आप ले सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। आप इसके ऊपर भगवान जी को बैठा सकते हो इस तरीके से मंदिर में रख के भी। और गाइस अगला आइडिया हमारा लास्ट एंड फाइनल, तो 5वां आइडिया हमारा छोटे छोटे टुकड़ों का। ये तो सारे के सारे जो आइडिया हमारे छोटे छोटे टुकड़े जो सिलाई से बच जाते हैं, जो बिल्कुल बेकार कपड़े होते हैं उनके हैं। अब आपको जितना बड़ा मैं बनाने वाली हूँ इसमें से पर्स, जितना बड़ा बनाना उस हिसाब से आपको ये पीस ले लेना है। और देखिए इस तरीके से मैंने 1 बाई 1 करके ये कपड़ों को सिल दिया है आपस में। तो इनकी चौड़ाई लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, वैसे तो इसकी जो चौड़ाई है लेकिन सॉरी लंबाई है कपड़े की करीब 7.5 इंच की है। 7 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगाया और एक और स्ट्रिप ली, इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे जो हमने 7 इंच का निशान लगाया वहाँ पर। अब देखिए हमने लैस ली है लटकने वाली और इसको ऊपर से रखते हुए कपड़े को साथ में रखते हुए इस तरीके से हम सिल देंगे। दो सिलाई लगाते हुए हमने अटैच कर दिया। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, पाइपिंग लगाते हुए दोनों साइड से सेट कर देंगे इस तरीके से। और देखिए पाइपिंग को हमने फोल्ड करके सिल दिया। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे करीब 1.5 बाई 1.5 इंच का। निशान लगाने के बाद में कट कर देंगे डिब्बा बना के और इस तरीके से कोना सब कोना मिलाते हुए इसको हम सिल देंगे। और सिलने के बाद में फिर हम ऊपर वाले पार्ट को रेडी करेंगे, इसमें जिप वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 10 इंच की है, तो यहाँ से 10 इंच का हमने ले लिया तो पीस। और इस तरीके से बीच सेंटर में देखिए 3 बाई 10 इंच का ये पीस है, इसको हमने बीच सेंटर से कट करते हुए बीच में जिप को अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने जिप को अटैच कर दिया और यहाँ से देखिए थोड़ा सा छोटा लेना है एक तरफ से और इसमें जिप को डाल देना है
सारे रनर को डाल देना है। रनर को डालने के बाद में जिप को पूरी बंद करके फिर से आपको रनर को डालना है। इस तरीके से आपको पकड़ना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड से भी सेम तरीके से सिलाई लगाते हुए कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। इस तरीके से कोने में लगाते हुए इसको आपको आधा इंच करीब की सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। और देखिए यहाँ से ये हमारा पीस रेडी हो चुका है। अब हम डोरी के लिए रेडी कर लेते हैं। तो हमने कपड़ा लिया डोरी के लिए, आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लंबाई मैंने 50 इंच की ली, तो 45 इंच की इसकी लंबाई ले ली है। अब यहाँ पे हम बीच सेंटर में इसमें निशान लगा लेंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसमें डोरी के साथ में अटैच करेंगे। डोरी भी हमने अटैच कर दी है और ये वाला जो जिप वाला हिस्सा है उसको भी हम अटैच कर देंगे दोनों साइड से। डोरी को अंदर डाल देना है और जो हमारा हिस्सा है उसको अब हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा दी, इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में ऊपर फिनिशिंग के लिए भी सिलाई लगा देंगे। और गाइस कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।